नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार कृष्णा एस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कृष्णा एस में स्वागत कर रहे हैं यूपीएससी टॉपर हिंदी माध्यम 2020 की प्रकाश कुमार चौधरी का, जिनका ऑप्शन पेपर एंथ्रोपोलॉजी था। तो आप पे प्रकाश कुमार चौधरी जी को मैं स्वागत करता हूं और आएँ और अपनी बातों को रखें। मेरा नाम प्रकाश कुमार है, मैं राजस्थान के पाली ज़िले का निवासी हूँ। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए मैंने हिंदी माध्यम का चयन किया। मेरा वैकल्पिक विषय मानव विज्ञान था। परीक्षा के माध्यम को लेकर एवं वैकल्पिक विषय को लेकर के कई जनों से राय ली तो मेरे को बताया गया कि हिंदी माध्यम से मानव विज्ञान नहीं कर पाऊँगे। उसके बावजूद मैंने हिंदी माध्यम में मानव विज्ञान का चयन किया। इसके लिए मुझे कृष्ण कुमार सर, कृष्णा आईएएस, उनका पूरा मार्गदर्शन मिला। उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने मानव विज्ञान को पढ़ा। हिंदी माध्यम में कृष्णा सर के निर्देशन में मैंने इस वर्ष मानव विज्ञान में 273 मार्क्स हासिल किए। उससे पूर्व यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2017 में भी मैंने 300 मार्क्स हासिल किए थे। मेरा मानना है कि वैकल्पिक विषय मानव विज्ञान को भी हिंदी में पढ़ के मार्क्स लाए जा सकते हैं। मानव विज्ञान में हिंदी में कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है और कुछ बुक्स के लिए इंग्लिश मीडियम पे भी निर्भर रहना पड़ता है। तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक इंग्लिश मीडियम में थी, तो मैंने अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान जो एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस के लिए जो टॉपिक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं थे, उनकी इंग्लिश मीडियम की बुक से मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके तैयारी की। और उस पूरे तैयारी में कृष्णा सर का पूरा सहयोग रहा। कृष्णा सर के निर्देशन में हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी के मेरे नोट्स बना दिए और उन्हीं को मैंने पढ़े। साथ ही तैयारी के दौरान एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पीनाथ, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए अंबर एंड नंबर, इन सभी को पढ़ने में एवं उससे नोट्स बनाने में कृष्णा सर का योगदान रहा। तो मेरा मानना है कि माध्यम कभी भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बाधक नहीं बन सकता। माध्यम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो हम अगर हिंदी में भी मानव विज्ञान को अगर सही से अभिव्यक्त करें तो उसमें भी मार्क्स आ सकते हैं। इसके लिए मैं कृष्णा आईएएस के डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार सर को धन्यवाद देना चाहूँगा। मानव विज्ञान के लिए अगर बुक्स की बात करें तो मैंने सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनैन की बुक एवं उसी के साथ अंबर एंड नंबर की बुक, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पीनाथ, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनैन, ट्राइबल इंडिया के लिए नदीम हसनैन, एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी के लिए गया पांडे, इन किताबों का अध्ययन किया। उसके साथ ही मेरे पास हिंदी माध्यम में कृष्णा आईएएस के नोट्स भी उपलब्ध थे और उन नोट्स के साथ मैंने इन किताबों से कुछ रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस मैंने नोट्स में लिए। मानव विज्ञान में जब मैंने आंसर राइटिंग शुरू की तो आंसर राइटिंग में केस स्टडीज़ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मानव विज्ञान का पूरा कार्य भी फील्ड वर्क, ट्रेडिशन और फेस टू फेस स्टडीज़ उस पर होता है। तो जब कोई मानव विज्ञान में जब किसी क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हो तो उसमें बट किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम, उसकी रेफरेंस एवं उसके केस स्टडीज़, उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडीज़ है तो उसका रेफरेंस भी मैंने अपने आंसर में डाला। और एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी के दौरान टॉपिक्स में केस स्टडी से रिलेटेड कृष्णा सर का योगदान रहा। तैयारी के दौरान ही हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने एंथ्रोपोलॉजी की तैयारी के दौरान पूरी यूपीएससी में जो सिलेबस है उस सिलेबस वाइज तैयारी की, और जहाँ जहाँ पे भी कोई स्पेशल रेफरेंस था या ऐसी कोई केस स्टडीज थी तो उसका रेफरेंस भी मैंने अपने आंसर में डाला। मानव विज्ञान के दो बड़े एस्पेक्ट है, एक तो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज, एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनका फील्ड वर्क या उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, वो मैंने स्पेशल फोकस रखा उस पर। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पीनाथ बुक्स थी, वहाँ से कुछ रेफरेंस लिए मैंने। और एक तैयारी के दौरान
जब आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मानव विज्ञान की तैयारी के दौरान मैंने कृष्णा सर के निर्देशन में टेस्ट लिखे थे। टोटल मैंने 8 टेस्ट दिए थे इस बार, और अपना सेल्फ इवोल्यूशन किया था कि क्या मैं हिंदी में बढ़िया लिख पाता हूँ। तो सर ने भी मुझे उसके बारे में गाइडेंस की और कि बेस्ट आंसर कैसे लिखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो उसमें पूरा सहयोग रहा सर का। धन्यवाद सर। धन्यवाद।